बड़ी खबर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज मौजूद थे डोडा में रैली करने के लिए जम्मू कश्मीर चुनावों के मद्देनजर, और उसी रैली के दौरान विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार हमला बोला है। परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को खोखला किया, ये कहा प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस को आपके बच्चों की चिंता नहीं है, जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर है, परिवारवाद ने युवाओं को आगे नहीं आने दिया है। जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में तीन परिवारों का सबसे बड़ा योगदान रहा, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही कांग्रेस, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने डोडा में मौजूद रहते हुए। आज डोडा पहुंचे थे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, इसके साथ लगती 8 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए फर्स्ट फेज के मद्देनजर, पहले चरण के मद्देनजर और स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे डोडा में। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बोला विपक्ष पर हमला। जिन राजनीतिक दलों ने बरसों तक जम्मू कश्मीर पर राज किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप याद कीजिए, यहां पहले एक एक स्कूल खोलने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था, आपको एक स्कूल एक कॉलेज खुलवाने के लिए भी आंदोलन करना होता था। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया, और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ तीन खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये तीन खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीन खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये तीन खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे।